दूसरों के बुरा कह देने से ना तुम बुरे हो जाओगे और ना ही दूसरों के ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करने से तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। तुम होगे वही जो तुम्हारी वास्तविकता है, जो तुम्हारा दिल है और जो तुम्हारे हाथों में गुण है। और इसीलिए कहता हूँ, कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान कम दो, और तुम खुद को किस रास्ते पर कैसे ढाल रहे हो इस पर तुम ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि पीठ पीछे कहीं ना कहीं सब वास्तविकता भूल जाते हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों से तुम गुजर चुके हो जिसके बारे में जिक्र करो तो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारा उपहास करते हैं, और अगर जिक्र ना करो तो मन ही मन तुम घुटते हो। यही बात है ना, मैं तुम्हारा स्वामी, सखा, मित्र सब कुछ हूँ, मुझसे आकर कहो। और मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त तरस्त हो चुके हो, लेकिन तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ रहा। तुम देखो, इसी में तुम्हारे लिए रास्ते निकलेंगे। श्रद्धा सबूरी मैंने हमेशा कहा है, आज एक बार फिर एक बार कहता हूँ, थोड़े और दिनों की सबूरी रख लो, इसके बाद मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का आराम देना है, बस इस बार थोड़े दिन सबूरी रख लो। और मेरे विश्वास पर तुम जो जीते हो ना कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, तो ये जरूर होगा, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। ये आशीर्वाद तुम्हें मैं देता हूँ। मेरे कुछ बच्चों की बहुत बुरी आदत है कि उनके हाथ में जैसे ही थोड़े से पैसे आते हैं तो वो उसे तुरंत ही खर्च कर देते हैं, पर यदि कोई ज़्यादा सवाल जवाब करे तो मेरा नाम दे देते हैं कि मैंने साईं के लिए भलाई की है और इसमें कभी कोई नुकसान नहीं है। तो हाँ, जब भी तुम किसी का भला करोगे उससे कभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तुम जान लो, इस समाज के लिए अगर तुम्हारे कर्तव्य हैं तो सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे परिवार के लिए है, जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, जिसने तुम्हारे लिए अपनी खुशियों की भी आहुति दी है। और इसीलिए तुम इस समाज की सेवा करना चाहते हो तो करो, मैं रोकता नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करो। तुम ये भी जानते हो कि भविष्य में कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ तुम्हें थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, कहाँ तुम्हें थोड़े ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो तुम वहाँ के लिए अभी से संचय करना शुरू कर दो। और इसके साथ ही साथ जितना तुमसे हो पाए अपनी चादर में रहकर, अपनी सीमा में रहकर उतनी सेवा तुम आसपास करो। ध्यान रखना, हर बार सेवा सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं होती, कभी कभी सेवा सिर्फ प्यार और ममता से भी होती है, तुम्हारे अच्छे शब्दों से भी होती है। मुझे सिर्फ पैसे खर्च करने से प्रसन्नता नहीं होती, और ये तुम जानते हो, मुझे भाव से, मुझे प्यार से, श्रद्धा से, इससे प्रसन्नता मिलती है। और इसीलिए किसी के भटकाने पर भटकना मत, पहले अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ और फिर तुम साईं की सेवा करना। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, सही रास्ते पर चलो। और तुम कहाँ अपना क्या खर्च कर रहे हो, चाहे वक्त हो, चाहे पैसे हो, चाहे कुछ भी हो, सोच समझ कर करो।